खरगोन जिला चिकित्सालय की शुगर जांच की मशीन के सेंसर में तकनीकी खराबी आने के चलते पिछले 2 दिनों से शुगर की जांच की मशीन बंद है। इससे यहां आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को मजबूरन बाहर 100 रुपए देकर जांच करवाना पड़ रहा है। लैब सुपरवाइजर नीरज प्रजापति ने बताया, 2 दिन पहले हुई बारिश के चलते सेंसर में खराबी आ गई। इंजीनियरों को बुलवाया गया है। प्रजापति के मुताबिक रोजाना करीब 700 जांचें लैब में पहुंचती हैं। गुरुवार शाम तक मशीन दुरुस्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। नीरज प्रजापति है। अभी शुगर की जांच करने के लिए लोग आ रहे हैं, क्या मशीन बंद है? अभी मशीन कल से बंद है। क्या कारण? क्या कारण है? सेंसर प्रॉब्लम है उसमें। जो पानी आया था परसों के दिन, उससे इम्यूनिटी के कारण वो सेंसर में पानी भर जाता है। कितने लोग अब प्रतिदिन आते हैं शुगर वगैरह की जाँच करो? 7 से इन्वेस्टिगेशन आती है प्रतिदिन। कितने लोग आए थे? इन्वेस्टिगेशन 700 आते हैं। 700 जी। अभी कब तक ठीक होएगी? आज इंजीनियर सर आ रहे हैं, अब 1-2 घंटे में आ जाएंगे। इसकी प्रोसेस चलेगी, उसके 1-2 घंटे में सही हो सकती है, या फिर माइनर प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है उसके अंदर। कहाँ से? इंजीनियर खोलेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। कहाँ से आ रहे हैं? भोपाल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज प्रजापति है। आप कौन हैं? मैं लैब सुपरवाइजर POC। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।